खिलाफ हम लोग खड़े हैं, जो मनुस्मृति में मानते हैं वो डिटेंशन सेंटर बनाते हैं, जो संविधान में मानते हैं वो लाल बाग, सब्जी बाग और शाहीन बाग खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए हम शाहीन बाग के साथ हैं। बिहार में है तो नीतीश जी को विनती करते हैं, यदि आपका जमीर जिंदा है तो आप भी मोदी का कैंप छोड़कर शाहीन बाग के कैंप पे आ जाइए। ये कानून दोनों के लिए बराबर है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू हो रहा है? ये पूरे भारत के खिलाफ, ये लड़ाई को हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं, ये भारत बनाम पाकिस्तान की नहीं, ये भाजपा बनाम आइडिया ऑफ इंडिया की है, ये भाजपा बनाम इस मुल्क की तमाम जनता की, भारतवासियों की लड़ाई। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है हमें धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र चाहिए, समाजवादी लोकतंत्र चाहिए। भारत की छाती पर छेद करके हिंदू मुसलमान की खाई और भी गहरी हो, इसी नीयत से, इसी मंशा से मोदी और शाह की जोड़ी ये काला कानून लेकर आई है। और इसलिए मैं इन दो गुजरातियों के साथ नहीं, 130 करोड़ जनता के साथ हूँ, उनके साथ हूँ जो आज संविधान को बचाने के लिए सड़क पर उतरे। एनपीआर गजट जो है बिहार में लागू कर दिया गया है, अब क्या लगता है चेंजेस आ सकता है नीतीश कुमार की तरफ से? देखिए, बिहार की जनता को और पूरे देश की जनता को एक ही संकल्प करना है, एनपीआर हो, एनआरसी हो, कोई भी सर्वे हो, सर्वे के लिए जब भी लोग आए घर पे अदरक वाली बढ़िया चाय पिलाकर वापस भेजेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। यदि ये संकल्प इस मुल्क की 130 करोड़ जनता कर दे तो मोदी जी का कानून धरे का धरा रह जाएगा। आप बोले आप नवंबर में यहाँ आएंगे और जो कसर गुजरात में, नवंबर में नहीं, नवंबर तक आएंगे, नवंबर तक आएंगे, आज से दौरा चालू हो गया जी, और जो काम गुजरात में नहीं हुआ वो बिहार में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी? बिहार की जनता को करेंगे, बिहार के किसान और मजदूर को करेंगे। मांगिएगा, हर जिले में जाइएगा तो किसी के लिए तो वक्त आने दे, तुझे बता देंगे वो क्या आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में, क्या आपके दिल में, वक्त आने दीजिए, आपसे जानना चाहते हैं बिहार की जनता को गौर लगी करती है।